हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारे दो फिलोसोफर कह लीजिए या हमारे जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कुछ रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जिसमें हमारे दो फिलोसोफर हैं, एक हमारे हेनरी फेयोल और दूसरे एफ डब्ल्यू टेलर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फेयोल। अब सबसे पहले जान लेते हैं ये हेनरी फेयोल है कौन। हेनरी फेयोल हमारे एक फिलोसोफर हैं जो कि बॉर्न हुए थे फ्रांस में इन 1841। यानी कि हेनरी फेयोल का जो जन्म था वो कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था और 1841 में हुआ था। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने हमारे बिजनेस स्टडीज से या हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे। जैसे कि इन्होंने हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे, मैंने आपको पहले ही बताया मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किए थे, इसी वजह से इनको फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कहा जाता है। ये चीज जो है वो हमारे कई बार एक मार्क्स में पूछ ली जाती है क्योंकि सीबीएसई पैटर्न धीमे धीमे चेंज करता जा रहा है, तो 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फेयोल आपके बॉर्न हुए थे फ्रांस में इन 1841 एंड हेनरी फेयोल को फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किए। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी 6th क्लास, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि हम अपने हेनरी फेयोल के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे हेनरी फेयोल ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल डिफाइन किए हैं, यानी कि उन्होंने मैनेजमेंट के पूरे मैनेजमेंट को ऑपरेट करने के 14 प्रिंसिपल यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। एक एक करके हम लोग सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मेरा आता है डिविजन ऑफ वर्क। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे काम को डिवाइड करेंगे। तो किसी भी फैक्ट्री में, फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होता है मेरा डिवीजन ऑफ वर्क। इस डिवीजन ऑफ वर्क में मेरे जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर हमारे सबॉर्डिनेट के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, देयर जॉब्स, देयर ट्रेनिंग, देयर स्किल्स, देयर डेवलपमेंट, देयर हॉबीज, मतलब उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो वर्कर जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है वो मैनेजर क्या करता है, उसको वही टास्क देता है जिससे उसका काम इफेक्टिव भी हो एंड एफिशिएंट भी हो। तो सबसे पहला मेरा प्रिंसिपल क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजर है वो क्या करेगा, लोगों के बीच में काम डिवाइड कर देगा। काम डिवाइड करने से क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे, मतलब इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेज के वेस्टेज कम होंगे और हमारा गुड जो है वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इन केस अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो ये है, हमारा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क जो है, सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क जो है, अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क हम फॉलो नहीं करते हैं तब क्या होगा, सेम इफेक्टिवनेस नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैक्सिमम कॉस्ट उसमें लगेगी और प्रोडक्शन में भी डिले हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें कोई भी मैनेजर जो है वो अपने काम को डिवाइड करेगा अपने और मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमने आपको अधिकार दिए हुए, मतलब आप डिसीजन ले सकते हो, आप कोई भी काम में आप इनिशिएटिव ले सकते हो या कोई भी काम आप कर सकते हो, हमने आपको फुल राइट्स दिए हुए हैं कि आपको ये टास्क करना है और इसके रिगार्डिंग आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो अथॉरिटीज का मतलब हो गया अधिकार। नेक्स्ट है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी मैंने आपको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको ये काम करना है और फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो काम होता है या फिर नहीं होता है। तो इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग हमारे हेनरी फेयोल साहब ने क्या बोला कि देखो भाई, कोई भी वर्कर होगा उसको आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल अमाउंट में देनी होगी, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। अब अगर आपके पास अथॉरिटीज ज्यादा, यानी मेरे पास अधिकार ज्यादा है, काम मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर में बैठा हुआ हूं, काम मेरे पास कुछ नहीं, बस लोगों को ऑर्डर कर रहा हूं, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, मैं सिर्फ लोगों को ऑर्डर दे रहा हूं, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, मैं अपनी अथॉरिटीज का
मिसयूज कर रहा हूं, मैं अपनी जो मेरे पास अधिकार है, जो अथॉरिटीज है, मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी नहीं आएगी। वहीं सेकंड अनदर हैंड, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हमने खूब डाल दी है लेकिन आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। हमने आपको काम तो कई सारे पकड़ा दिए कि ये भी प्रोजेक्ट देखो, ये भी प्रोजेक्ट देखो, ये भी प्रोजेक्ट देखो, सारे प्रोजेक्ट देखो, बट हमने आपको ये नहीं बोला है कि इसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो जब आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे तो क्या होगा? जिम्मेदारी तो बहुत है आपके पास लेकिन उनको हैंडल करने के लिए अधिकार आपके पास नहीं है। तो इस प्रिंसिपल ने हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिजाइन और गिव इन अ इक्वल अमाउंट। आपको यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ना आपकी अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए और ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक बात। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल की तरफ जो कि है मेरा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे? डिसिप्लिन्ड वे में रह के करेंगे। डिसिप्लिन्ड वे का मतलब क्या हो गया? एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करेंगे, सीक्वेंस में काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप सारे वर्क परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी गुड्स बनाते समय कोई भी एक बीच में स्टेप सीक्वेंस या उसका मेथड स्किप कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट सही से डिजाइन नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पे सबसे जरूरी चीज होती है कि आप सारे काम डिसिप्लिन्ड वे में रह के करेंगे। डिसिप्लिन वे का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम रखा गया है कि आप सभी वर्कर्स को सुबह 8 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है। अब कोई वर्कर वहां पे 9 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, लेकिन जा सब 10 बजे रहे। तो जो ये अलग अलग स्लॉट में वर्कर्स आ रहे हैं और जा सेम टाइम पे रहे तो क्या इनका प्रोडक्शन सेम होगा? नहीं होगा। किसी एक का ज्यादा होगा और किसी एक का कम भी हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? आपकी जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है कि आपको डिसिप्लिन वे में रहके, एक डिसिप्लिन में रहके, सिस्टमैटिक मैनर में रहके, सीक्वेंस में और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वर्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीसरा प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें हम लोग सारे काम सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी डायरेक्शन होंगे, जो भी काम होगा वो एक जगह से होगा। कमांड का मतलब क्या होगा? जो ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, यानी कि आप यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझ सकते हैं कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको एक ही बॉस के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं। यानी आपका एक ही बॉस है और वो बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है या कोई भी काम करना है। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि आपको हर एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस रखना है, क्योंकि अगर मोर देन वन बॉस हो गए तो वहां पे क्या होगा? अब जैसे आपके घर में आप हैं, आपको मम्मी ने भी काम दिया, पापा ने भी काम दे दिया, अब दोनों लोगों ने काम दे दिया, तो अब आप कंफ्यूज रहेंगे आपको करना किसका है। मम्मी का पहले करते हैं तो पापा डांटेंगे, पापा का पहले करते हैं तो मम्मी डांट देंगी, तो अब वहां पे केओस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने मम्मी को पहले कर दिया तो पापा को लगेगा मम्मी की रिस्पेक्ट ज्यादा है, वहीं आपने पापा का पहले कर दिया तो मम्मी को लगेगा कि उनकी रिस्पेक्ट कम है। तो यहां पे सबसे जरूरी चीज क्या होगी कि आपको एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस रखना होगा और एक ही बॉस आपका उसको कमांड देगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो गया? ऑर्डर कम फ्रॉम वन बॉस ओनली, कि जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो खाली एक बॉस के पास से ही आएंगे, बाकी उसको और कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। ठीक बात। अब आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शंस में होने चाहिए। एक ही डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो सारा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे आपको आपके बॉस ने काम दिया कि एक काम करो कि यहां जाके सामान ले आओ, या उसने आपको बोला कि एक काम करो ये रॉ मटेरियल खरीद के ले आओ, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल खरीदने भेज दिया। अब उसने एक काम करना चाहिए यहां से पेमेंट भी लेते आना, और अच्छा एक काम करना यहां से रॉ मटेरियल भी ले लेना, मेरा ये काम भी कर देना, वो काम भी कर देना, मतलब उसने आपको बहुत सारे काम वहां पे दे दिए। तो वहां पे क्या होगा? अब आप एक पर्सन हो, हर जगह तो अवेलेबल हो नहीं सकते, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आपका जो इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है वो आप शो नहीं कर पाओगे। तो सबसे जरूरी चीज अब यहां पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस से ऑर्डर आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक डायरेक्शन से ऑर्डर आएगा। यूनिटी ऑफ बॉस में आपको कोई एक ही पर्सन डायरेक्शन मतलब गाइड कर रहा होगा या आपको ऑर्डर दे रहा होगा,
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको एक ही लाइन में चलना होगा कि इसी लाइन के आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिटी ऑफ कमांड ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वर्क फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, वेदर इट्स फॉर द प्रॉफिट मोटिव और फॉर द सोशल वेलफेयर, कि आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, या तो प्रॉफिट कमा लो या तो सोशल वेलफेयर कर लो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी जो फर्म होती है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है मेरा जनरल इंटरेस्ट फुलफिल करना। जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट का मतलब या तो प्रॉफिट कमाना और या तो सोशल वेलफेयर करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के दो ही मेन मोटिव होते हैं, या तो प्रॉफिट मोटिव या सोशल वेलफेयर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सबसे ऊपर किसको रखती है, अपने जनरल मोटिव को, कि मेरा जनरल इंटरेस्ट फुलफिल होगा, उसके बाद ही हम इंडिविजुअल अपने इंप्लॉयज के बारे में सोचेंगे। लेकिन हेनरी फ्योल ने क्या बोला, देखो भाई आप अपना जनरल इंटरेस्ट तभी फुलफिल कर सकते हो जब आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश होंगे। अब जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बहुत हो, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो क्या एम्प्लॉयज काम करेगा मन लगा के? कभी नहीं करेगा। होगा जब हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो हम क्यों काम करें इनके लिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन आपको अच्छी सैलरी दे रहा है, सारे बेनिफिट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो क्या होगा, आप उसके लिए काम भी मन लगा के करोगे। तो हेनरी फ्योल ने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल करना है, मतलब आपको हर इंडिविजुअल पर्सन की जो नीड है वो आपको फुलफिल करनी है, और जब इंडिविजुअल पर्सन आपका सेटिस्फाई होगा तो जनरल इंटरेस्ट आपका अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या सोशल वेलफेयर जो भी आप करना चाहते हैं वो इजिली हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी फुलफिल करेंगे और साथ में अपने जनरल इंटरेस्ट भी फुलफिल करते जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, जो हम अपने वर्कर को, स्टाफ को जो सैलरी देते हैं, उस सैलरी को हम बिजनेस लैंग्वेज में या बिजनेस के टर्म्स में बोलते हैं रेमुनरेशन। रेमुनरेशन ऑफ पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि हर फैक्ट्री, हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की सैलरीज होती है। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि हमें अपने हर वर्कर को बेस्ट से बेस्ट सैलरी प्रोवाइड करानी है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, कि जितनी उनकी कैपेबिलिटी है या जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सैलरी देंगे। यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वर्कर्स, अगर आपका कोई जो वॉचमैन है आप उसको भी वही सैलरी दे रहे हो जो अपने सीईओ को दे रहे हो, क्योंकि भाई दोनों की क्वालिफिकेशन में फर्क है ना। अब सीईओ जो है, यानी कि जो मेरा सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो भाई ऊंची पोस्ट पे है, वॉचमैन आपका सबसे लो बॉटम पोस्ट पे आता है, तो दोनों की सैलरी तो सेम नहीं हो सकती ना। तो वहां पे वो मैनेजर ने, हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि आपको अपने वर्कर्स को या मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज को उतनी ही सैलरी देनी है जितने की वो डिजर्व करते हैं और उनकी उतनी कैपेबिलिटी है। तो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स में क्या हो गया, आपको अपने हर वर्कर को उनकी कैपेबिलिटी, एजुकेशन, स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरी देनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेरा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स इन वन हैंड, पावर्स इन वन हैंड, और इट कम फ्रॉम टॉप लेवल ओनली। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया सेंटर, यानी कि बीच, एकदम बीचों बीच में, एकदम मिड पॉइंट किसी भी चीज का। तो जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे कि पावर जो है वो किसी एक लेवल के पास है, एक अथॉरिटी के पास है, और वही पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स इन एवरी हैंड, मतलब जितनी जितनी उनको रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने हर वर्कर को थोड़ी थोड़ी पावर्स दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि या तो पावर किसी एक के पास होगी और या तो पावर थोड़ी 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 सभी के पास होगी। तो हेनरी फ्योल ने क्या सजेस्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे हेनरी फ्योल साहब ने बोला, देखो भाई ना तो सेंट्रलाइजेशन ना तो डिसेंट्रलाइजेशन, हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में मेरे इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। छोटी फर्म है तो सेंट्रलाइजेशन, बड़ी फर्म है तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक ने पूछा, भाई ऐसा क्यों कि छोटी फर्म है तो सेंट्रलाइजेशन, बड़ी है तो डिसेंट्रलाइजेशन? तो हेनरी फ्योल साहब ने बोला, अगर छोटी फर्म है ओनर एक होगा, कम ऑपरेट कर, कम कोई भी एक वर्कर है, कोई भी एक पर्सन है, वो कम लोगों को ऑपरेट कर पाएगा, उसका मैनेजमेंट लिमिटेड होगा,
उसका एरिया लिमिटेड होगा तो वो आसानी से मैनेज कर सकता है, आसानी से डिसीजन ले सकता है। लेकिन वह अगर उसकी फर्म बड़ी होगी तो एरिया भी लार्ज कैप्चर करेगा, एम्प्लॉयज भी ज्यादा होंगे, तो उसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आपकी छोटी फर्म है तो सेंट्रलाइजेशन, अगर आपकी बड़ी फर्म है तो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन पावर्स इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स इन एवरी हैंड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो हेनरी फ्योर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक चेन फॉलो करेंगे। चेन का मतलब हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉर्मल सेक्टर होती है। फॉर्मल मतलब उसमें जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मलाइज वे में होते हैं, यानी कि सारे के काम एक फॉर्मल स्टेप में होते हैं। तो स्केलर चेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे कुछ बॉसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले मेरा ओनर होगा जो कि ए पॉइंट पे होगा, उसके नीचे मेरे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि टॉप लेवल मेरा। तो ए हो गया मेरा बिजनेस, बी और सी मेरे हो गए टॉप लेवल, डी और ई मिडिल लेवल, एफ और जी बॉटम लेवल। तो अगर एफ को कोई काम है तो किससे बोलेगा, पहले डी से बोलेगा, फिर डी बोलेगा बी से, फिर वो जाएगा ए के पास। एफ डायरेक्टली ए से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि एफ जो कि बॉटम लेवल पे काम कर रहा है वो ए जो कि ओनर है फर्म का उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो यहां पे अगर एफ को ए से बात करनी है, यानी कि बॉटम लेवल को टॉप लेवल वाले से बात करनी है, तो उसको बीच में अपने बॉसेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन करने को मिलेगा, और इसी सीक्वेंस और चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं अब एफ को बात करनी है ई से, तो वो क्या करेगा। अभी तक तो हम लोग एफ डी बी एक पैनल पे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ को बात करनी ई से तो कैसे करेगा। अब ये तो मुश्किल वाली बात हो गई कि एफ से अगर ई में बात करनी है तो पहले एफ डी बी ए सी ई, काफी लंबा प्रोसीजर हो गया। तो यहां पे हेनरी फ्योल ने बोला कि देखो भाई एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक शॉर्टकट निकालते हैं जिसमें जो सेम अथॉरिटीज के लोग होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी टॉप लेवल वाला टॉप लेवल से बात कर सकता है, मिडिल वाला मिडिल से बात कर सकता है, और बॉटम वाला बॉटम से बात कर सकता है। तो यहां पे देखिए डी और ई ये दोनों मिडिल लेवल पे थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी और ई जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब दो एम्प्लॉयज, दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। जब सेम लेवल के लोग या सेम लेवल की अथॉरिटीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या हो गया कि अगर किसी भी बॉटम लेवल वाले को टॉप लेवल से कम्युनिकेट करना है तो उसको मिडिल लेवल से होके ही जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। बट अगर सेम अथॉरिटीज के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ गैंग प्लैंक। यानी इसके अकॉर्डिंग बी सी से बात कर सकता है, डी ई से बात कर सकता है, एफ जी से बात कर सकता है, लेकिन अगर उनको अपने से हायर अथॉरिटी पे बात करनी तो उनको वही सीक्वेंस और स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि इसमें हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि आपका जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स जो भी इस्तेमाल करते हो, आपको उनको एक ऑर्डर में अरेंज करके रखना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे बात करते हैं हम लोग जिम की बात करते हैं, आप लोग जिम गए, ठीक। अब वहां जिम में सब सीक्वेंस में लगा रखा हुआ है, आप पहुंचे, आपने एक तरफ उठाया 5 किलो का डंबल, करना शुरू कर दिया, उसको आपने उठा के कहीं भी रख दिया, फिर उठाया 10 किलो वाला, उससे करा, उसको भी कहीं रख दिया। अब जब आप नेक्स्ट डे जिम जाओगे तो आपको याद तो रहेगा नहीं आपने सामान कहां रखा था, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो गया। या अगर आप एक ऑफिस में हो, आपने एक फाइल पढ़ी और उस फाइल को उठा के आपने कहीं भी रख दिया, दूसरी फाइल पढ़ी उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया, नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस पहुंचोगे तो आप फाइल ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे कि कहां गई मेरी फाइल, कहां मेरी फाइल, कहां मेरी फाइल, कहां है। तो ये जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये आपके प्रोडक्शन में लगने वाले टाइम को इनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसीलिए हमारे हेनरी फ्योल ने बोला कि यहां पे हम क्या फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसमें आप अपने सारे इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को, ये टूल्स को, या जो भी आपके हेल्पिंग मटेरियल्स हैं, उनको आप एक सीक्वेंस में ही अरेंज करके रखोगे या उनको उनकी सही जगह पे ही रख के जाओगे।
अगर आपने उनकी गलत जगह पे रखा तो फिर वो आपको नेक्स्ट डे नहीं मिलेंगी और आप उनको ढूंढने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, प्लेस एवरी टूल इक्विपमेंट एंड मशीन इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, कि उनकी जो भी सही प्लेस है आप उनको वहीं पे ही रखोगे, उसके अलावा उनकी कोई भी प्लेस चेंज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पे होता है इक्वल, यानी कि सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में यहाँ पे हेनरी फ्योल ने क्या सजेस्ट किया कि भाई देखो, आप एक फर्म चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चला रहे हो, सबसे जरूरी चीज है कि वहां पे आप इक्वालिटी रखो। इक्वालिटी का मतलब चाहे मेल वर्कर हो, फीमेल वर्कर हो, यंग हो, अडल्ट हो, एल्डर हो, कोई भी हो, आपके लिए हर कोई एक जैसा होना चाहिए। आप किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करोगे। पार्शियलिटी का मतलब क्या हो गया, अब कोई फीमेल स्टाफ छुट्टी मांगना है आपने दे दी, कोई मेल मांगना है उसको नहीं दे रहे हो, फीमेल वाले की सैलरी ज्यादा है या मेल वाले की कम है, या ऑफिस टूर पे जाना है तो आपने मेल वर्कर को भेज दिया, फीमेल्स को नहीं भेज रहे हो कि भाई फीमेल्स हैं वो नहीं ट्रैवल कर पाएंगी, मैं मेल्स को भेज देते हैं। तो इस टाइप की जो पार्शियलिटी है वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी है, आपको सभी को सेम लेवल पे रखना है। जो बेनिफिट्स आप एक यंग यूथ को दे रहे हो वही आपको अपने एल्डर्स को, मतलब आपके जो अडल्ट हैं उनको देने हैं, जो बेनिफिट्स आप मेल को दे रहे हो वही बेनिफिट्स आपको फीमेल्स को भी देने, यानी कि इन शॉर्ट आपको जेंडर बायस या पार्शियलिटी नहीं करनी है, आपको सभी को इक्विटी यानी कि इक्वालिटी प्रमोट करनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या होगा कि हमारे सारे ही इंप्लॉयज अगर हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं तो वो मेरा कौन सा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम लोग हिंदी में एकदम आसान भाषा में, अगर आसान लैंग्वेज में हम लोग बोले तो स्टेबिलिटी का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्थिरता, यानी कि स्थिर हो गई है चीजें, स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, फिक्स पोजीशन पे है, कि ना बढ़ रही है ना घट रही है, उन्हें रोक के रखा हुआ है हमने। टेन्योर का मतलब होता है जो हमारे चेंजेस आते जाते, छोड़ के जो लोग फर्म चले जाते हैं वो टेन्योर, कितनी जल्दी मतलब मूवमेंट हो रहा है लेबर का, तो मूवमेंट ऑफ लेबर जो होता है वो मेरा कहलाता है टेन्योर। और पर्सनल का मतलब होता है मेरा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या मेरा लेबर। तो इस प्रिंसिपल में बोला जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि वो अपने एम्प्लॉयज को फैक्ट्री या फर्म छोड़ के जाने से रोके। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने किसी एक पर्सन को हायर किया, आज अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है, हमने मई में किसी पर्सन को हायर किया, हमने उसको पूरा मेट सिखाया पूरा मेहनत, जब वो जून में परफेक्ट हो गया तो वो फॉर्म छोड़ के चला गया, क्योंकि अब वो तो सीख चुका था, वो दूसरी जगह चला गया। अब हमने उसके ऊपर रिसोर्सेज वेस्ट किए, टाइम वेस्ट करा, एनर्जी वेस्ट करी। ठीक, हम अब वो छोड़ के चला गया, हमने जून में फिर किसी को हायर किया, अब हमने पूरा जून उसको सिखाया, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर हमने जुलाई में हायर किया, फिर हमने उसको सिखाया, यानी तीन महीने हमने सिर्फ क्या किया, हमने अपने वर्कर्स को सिर्फ ट्रेनिंग दी है और उसमें हमने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। लेकिन अगर वहीं पे वो जो वर्कर पहले वाला था, मई में जो ज्वाइन किया था, उसको हम सिखाते, जैसे ही वो जून में आया हम उसकी सैलरी, मतलब उसको कुछ बेनिफिट्स देते, कुछ एडवांटेज देते, कुछ सैलरी इंक्रीमेंट का शो करते, कुछ ग्रोथ प्लान्स उसको बताते, या उसको कोशिश करते कि वो रुके, अगर वो हमारी फर्म में रुकता है तो हम उसको ये बेनिफिट्स देंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी फर्म छोड़ के नहीं जाता। तो हेनरी फेल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपके जो पर्सनल है उनका जो टेन्योर है, यानी कि जो मूवमेंट है, वो बार बार जो फर्म छोड़ के जा रहे हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए, यानी कि उसको स्थिर किया जाए, कि जो मेरे फैक्ट्री ओनर मतलब फर्म में जो काम कर रहे वर्कर हैं वो मेरे किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो उसमें नुकसान एक फर्म का ही होगा, उसके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और मनी वेस्ट होगी। इसीलिए हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया हुआ है कि किसी भी फर्म को, फैक्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप। टेकिंग फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट कर रहे हैं, आप काम करो, सही हुआ आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, गलत होता है हम पीछे बैठे हैं उसे सही करने के लिए। यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या है कि जो मेरे मैनेजर्स हैं वो मेरे एम्प्लॉयज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ के आइए, आप डिसीजंस लीजिए, आप कुछ क्रिएटिव करिए, आप कुछ इनोवेटिव लेके आइए और हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे।
तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में मेरा जो मैनेजर है वो मेरे इंप्लॉइज को प्रमोट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो भी कुछ करेक्टिव मेजर्स, कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स, कुछ न्यू टेक्निक्स, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज मार्केट में लेके आए, जिससे उनका मोरल भी डेवलप हो, मोटिवेट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट एफर्ट दे पाए। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया, आप अपने इंप्लॉइज को पूरा मौका दीजिए काम करने का और उनके आइडियाज को भी सुनिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम लोग बॉस बन जाते हैं, सुपीरियर अथॉरिटी बन जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें सब कुछ आता है और हम अपने इंप्लॉइज को सुनते नहीं है। जो मेरे हमसे जूनियर होगा, जैसे हम बॉस हो गए किसी फर्म के, तो अपने जूनियर के सुनते नहीं है, तुम हमको सिखाओगे है? अभी कल के आए हो, कल तुमने ज्वाइन किया है, हम तुम्हारे बॉस है, तुम हमको सिखाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज का जो मोरल है या एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन स्किल है वो बेकार हो जाती है, वो एकदम बेकार हो जाती है कि अरे यार बॉस तो मेरी सुनता ही नहीं है, क्या बोले इससे। तो उसके पास अगर कोई भी इनोवेटिव आइडियाज होंगे या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे तो वो कभी भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसे यही लगेगा कि बॉस या तो सुनेंगे नहीं या आपको डांट देंगे। तो इसीलिए हेनरी फेल ने सजेस्ट किया हुआ है कि एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, फर्स्ट स्टेप ले और आगे आके सॉल्यूशंस बताए। नेक्स्ट मेरा आता है एस्प्रिट डी कॉप्स। एस्प्रिट डी कॉप्स का मतलब होता है कन्वर्ट आई विद द वी, आई विद द वी, यानी कि यहां पे आपको क्या करना है, मैं से हटके आपको हम बनाना है, यानी मैं इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता हूं, मुझे काम करने के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जैसे कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, उसमें टीम जीत जाती है, अब कैप्टन जाके बोले भाई मैंने जिता दिया, मैं ना होता तो टीम हार जाती, तो यहां पे क्या हो गया, वो सिर्फ आई को लेके चल रहा है, यानी वो सिर्फ खुद को लेके चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर वो ये कहता कि ये जो भी मैच हम जीते हैं वो हमारे टीम एफर्ट की वजह से जीते हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, अगर हम सब ना होते, वी आर नॉट टुगेदर, देन वी आर नॉट विनिंग द मैच, वी आर नॉट वॉन द मैच, अगर हम सब एक साथ नहीं होते तो हम मैच जीत नहीं सकते थे। तो एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, रिप्लेसिंग द आई विद द वी, कि आपको आई को रिप्लेस करना है वी के साथ, या आपको इंडिविजुअल एफर्ट को कन्वर्ट करना है विद द ग्रुप एफर्ट, जिसमें आप किसी एक के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको सभी के एक्टिविटीज, सभी के एफर्ट को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो आज हमारी चीज क्या थी, हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल थे। ये सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो केस स्टडी आती है इस चैप्टर से वो सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर, इसी टॉपिक से ही पूछी जाती है। तो समझ में आया सबको, तो एक बार सारे प्रिंसिपल्स एक बार नोट कर लीजिए सारे एक जगह पे, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा।